करौली शहर में पॉपकॉर्न खाने से कई लोग बीमार हुए। ये इस कंपनी का नाम जयंती कंपनी है। ये जो ये कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है, उस कंपनी ने अपने पाउच के ऊपर इस तरह का कुछ नहीं लिखा गया है कि इसके अंदर जो निकलता है आइटम उसे खाना नहीं चाहिए। आपके साथ में क्या हुआ था? मतलब बच्चे पॉपकॉर्न लाए हुए, जब हम बिना खा लिए पेट में दर्द सा हुआ। मैंने क्या बात है, जब मैंने डॉक्टर पास लेगा पर दवाई गोली दी 1500 रुपए की। आपको कैसे पता चला कि उसके अंदर गोली है? गोली मतलब मैंने फाड़ कर देखी, बच्चे ने घिताई मेरे ने कि पापा ये क्या है। मैंने वो देखी तो वो फाड़ कर दे वो रोमन की, तो वो मैंने बना करके देखा, मतलब पानी में डाल के इसी हिसाब से। जो फिर बाद वो एक आदमी ना खाली वहाँ पर, तो फिर मैंने वो बताई मैं तो कपड़ा बन जाता है इसमें से दोनों के, मैं तो मर जाऊँगा शराब पी रहा के उसमें। कितने समय से खा रहे थे बच्चे आपके यहाँ पे? बच्चे तो 2-4 दिन से लेकर आ रहे हैं। मैं तो काम धंधे वाला हूँ, मैंने देखा नहीं। पढ़े लिखे आदमी तो कर सकते हैं, अनपढ़ आदमी क्या कर सकते। कितना खर्चा आया आपका और कितनी परेशानी आई आपको? मतलब 2-3 बार ले जाना पड़ा। मतलब पहले तो मैंने वैसे मेडिकल पर दिखवाई, वो दवाई ली करनी पड़ा, फिर मतलब डॉक्टर के पास ले गया दवाई। हमारा समुदाय चाहता है कि जयंती नाम की जो कंपनी है, वह ये जो ये पॉपकॉर्न का प्रोडक्ट तैयार करती है, वह कंपनी को ये प्रोडक्ट पूरी तरह से बंद होना चाहिए। करौली शहर में कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था। वीडियो ये था कि जयंती कंपनी का जो पॉपकॉर्न था, उस पॉपकॉर्न के अंदर का इस तरह की गोली निकल रही थी कि उस गोली को पानी में डालते हैं तो एक नैपकिन बन जाता। उसी समय प्रभाव से मैं फूड इंस्पेक्टर के पास में गई और फूड इंस्पेक्टर को ये सब कुछ बताया, तो उन्होंने देखा और उसी समय उन्होंने जांच शुरू कर दी। आपने पॉपकॉर्न के लिए यहाँ पे तो कार्यवाही की है, आगे क्या कार्यवाही करने वाले हो? अभी आगे हमारे प्रयास है कि उस बेस नंबर का हमको बताना, उस बेस नंबर से हम बाजार में पकड़ेंगे, बाजार में ट्राई करेंगे, बाजार में कहीं मिलता है तो फिर उस तरह से हम कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल में आप कहाँ पे कार्रवाई करने आए हो और पहले कहाँ कहाँ पे की थी आपने? सोबल आपकी शिकायत पर हम वही आए थे जयंती वाले के, तो जो हमको जो मोस्ट की शिकायत थी मार्केट में करेंगे कार्रवाई। पहले आपकी शिकायत के आधार पर हम यही आए थे। करौली में ये पॉपकॉर्न एक बार पूरी तरह से बंद हो गया और करीब 1-2 महीने बाद में ये पॉपकॉर्न जब मार्केट में आया तो वो नई पैकिंग का आया और उस पैकिंग के अंदर जो पहले जो गोली निकल रही थी वो गोली नहीं निकल रही। अभी इस तरह का कूपन है कि उसको स्क्रैच करते हैं और उस कूपन में इनाम निकलती है। फिर अभी ये इसको सब लोग खाने लगे हैं या क्या करने लगे हैं? अब खाने लगे हैं इसको, कोई ऐसी बात की प्रॉब्लम नहीं है। अभी कूपन की पहले गोली निकलती थी इसमें, छोटा सा बदलाव ही सही लेकिन मुझे बहुत खुशी मिली और ट्रांसपोर्ट कंपनी के रहने वाले व्यक्तियों में हमारे काम के ऊपर एक विश्वास पैदा हुआ। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।